জনগণের সেবা করা এবং আসনের সঠিক উন্নয়ন করা যা একমাত্র বিজেপি সরকারই করতে পারে। আসামে জনসভায় বললেন বিজেপি নাড্ডা। हम जानते हैं चुनाव के समय लोग आकर के तरह तरह के वायदे करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ लोगों को लुभाया जाए, अपनी तरफ लोगों को आकर्षित किया जाए, लेकिन हम सब लोग ये भी जानते हैं कि जनता की सेवा करना, असम की चिंता करना, असम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करना, इसमें अगर कोई आगे रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ असम गण परिषद के साथी हमारे हैं जिन्होंने इस बात को किया है। असम में जनसभा थे के कांग्रेस के तीव्र भाषाएं कटाक्ष कोलेन बीजेपी जेपी नड्डा। कांग्रेस की चर्चा करूं तो कांग्रेस ने यहां की सभ्यता को चोट पहुंचाई, यहां की संस्कृति को उन्होंने एक तरीके से दरकिनार करके एक बढ़ने से रोकने का काम किया है। और अगर मैं असम की सुरक्षा की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने सुरक्षा हमेशा कभी उसको तरजीह नहीं दी और इसलिए असम में समस्याएं बढ़ती चली गई थी, लेकिन पिछले 5 साल में सर्वानंद सोनवाल जी की सरकार आई और उससे कुछ समय पहले आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जब देश की गद्दी पर बैठे तो असम की तस्वीर और तकदीर बदल दी गई। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। असम में जो अशांति छिलो ता शांत हुए छे एकमात्र बीजेपी सरकार आशार पर, बोलें जेपी नड्डा। वैसे ही इंटैक्ट रहे यह भी काम हुआ और बोडो के जो विषय थे और उनकी जो रक्षा होनी थी वह भी की गई। 50 साल से कोई इस पर काम नहीं हुआ था। जैसा मैंने कहा कि हजारों लोग हताहत हुए, कोई चिंता नहीं हुई, लेकिन हमारी सरकार जब आई तो आपके साथ मैं ये कह सकता हूं इससे पहले जो 15 साल कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें लगभग 2155 लोग मारे गए थे, 2084 लोग सिक्योरिटी पर्सनल के मारे गए थे और हमारे 1300 लोग किडनैप हुए थे। यह बोडो लैंड के आंदोलन के समय की स्थिति थी और बॉर्डर्स बिल्कुल जिसको बोलते हैं वो इतने घुसपैठ हो रही थी, यह भी हम सबको मालूम है। लेकिन जब बीजेपी आई तो 50 साल ये बोडो का जो आंदोलन चल रहा था वह समझौते में परिवर्तित हो गया और उनके विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए देकर के उनके काम को भी आगे बढ़ाने का काम हुआ। लगभग इसके साथ साथ कोई 2500 हमारे लोगों ने सरेंडर किया, 4000 से ज्यादा एसॉल्ट राइफल्स सरेंडर हुए और इसी के साथ साथ लगभग 2300 लोगों ने अरेस्ट हुए और उसके बाद बोडोलैंड की दृष्टि से शांति यहां पर आई है। यह हमको समझना चाहिए। आज हम बोडो के ऑटोनोमस काउंसिल को भी हम जीत गए हैं, वहां भी हमको आशीर्वाद मिला है और 1500 करोड़ रुपए उनके विकास के लिए खर्च होगा और असम में जो शांति नहीं थी वह शांति लाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री अमित शाह थे और सोनोवाल जी हमारे मुख्यमंत्री थे जब यह काम हुआ है, इसको भी हमको समझना चाहिए। इसीलिए मित्रों अब मैं अगर पटे की बात करूं, क्या स्थिति आ गई थी कि विकास के दृष्टि से अगर सड़क बन रही है तो सड़क क्यों रुकी थी? सड़क इसलिए रुकी थी कि उस पर कंपनसेशन देना था। कंपनसेशन क्यों नहीं दिया जा रहा था? क्योंकि जो लोग वहां रह रहे थे उनको मलकियत नहीं मिली थी, इसलिए कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा था। वर्षों से लटका हुआ था और कांग्रेस पार्टी का काम है लटकाना, भटकाना, अटकाना और भारतीय जनता पार्टी का काम है काम को करके देना। यह हमको समझना चाहिए, यह हमको ध्यान में रखना।